राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों में शनिवार को सुबह से ही बारिश हो रही है। भोपाल में सुबह 7 बजे से तेज बारिश शुरू हो गई। प्रदेश में पिछले एक सप्ताह से कई जिलों में भारी बारिश भी हुई। ऐसी ही मौसम अगले 2 दिन और बना रहेगा। मंत्री रामनिवास रावत के मुताबिक उनके नंबर पर एक अनजान शख्स ने कॉल किया और खुद को भाजपा संगठन महामंत्री का निजी सचिव बताकर कहा कि वो विजयपुर विधानसभा उपचुनाव में कुछ लोगों की टीम बनाकर भेज रहा है जो आपका पूरा प्रचार और चुनावी प्रबंधन देखेगी। इसके एवज में शख्स ने 5 लाख रुपए की मांग भी की। मध्य प्रदेश के भीड़ में जमीन का सीमांकन करने गई राजस्व टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। दरअसल सीमांकन के दौरान दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। एक पक्ष ने राजस्व विभाग के पटवारी राजकुमार तोमर सहित ग्रामीणों के साथ मारपीट की। राजधानी भोपाल में बैरसिया रोड स्थित लामाखेड़ा में बनी कांग्रेस नेता गोविंद गोयल की अगरबत्ती की फैक्ट्री में देर रात अचानक आग लग गई। आग लगने की खबर लगते ही मौके पर पहुंची गांधीनगर छोला कबाड़ खाना और फतेहगढ़ फायर स्टेशन दमकलों ने आग पर काबू पाया। भाजपा विधायक पन्नालाल साकिया ने पिछले पंचर वाले बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ उदाहरण स्वरूप ऐसा कहा था। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि अगर उनके कहने से कोई कलेक्टर बन सकता है तो वे अपने शब्द वापस लेते हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से छत्तीसगढ़ के कोरबा जा रहे एक परिवार के लिए उस समय मुसीबत खड़ी हो गई जब वह शहडोल जिले के सिंहपुर थाना क्षेत्र से गुजर रहे थे। इस दौरान सिंहपुर के आगे सुनसान जंगल में रात के लगभग 3 बजे अचानक उनकी गाड़ी खराब हो गई। मध्य प्रदेश में उज्जैन के बाद खरगोन दूसरा ऐसा शहर है जहां पवित्र सावन माह में वृद्ध स्तर पर 84 शिव दर्शन पदयात्रा निकाली जाती है। इस यात्रा का उद्देश्य सनातन धर्म की अखंडता और पर्यावरण को बचाना है। इस साल यात्रा 28 जुलाई रविवार को निकाली जाएगी। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां अचेत विधानसभा के एक स्कूल में साफ सफाई नहीं करने को लेकर सरकारी टीचर ने आधा दर्जन से ज्यादा बच्चों को कमरे में बंद कर मारपीट की। मध्य प्रदेश सरकार ने मुफ्त राशन को लेकर कुछ बदलाव किए हैं जिसके तहत अब छोटी सी गड़बड़ी करने पर उपभोक्ता का नाम काट दिया जाएगा। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की बैठक में स्मार्ट PDS सिस्टम के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के जिला अस्पताल के आयुष्मान कार्ड केंद्र पर आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहे हैं जिस कारण मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह समस्या पिछले एक सप्ताह से बनी हुई है।